नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। अब तक स्वच्छ हाइड्रोजन को पर्यावरण के लिए सुरक्षित ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन एक नए शोध में इसे कोयले से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में हाइड्रोजन का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन नए अध्ययन में कहा गया है कि इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए इसका इस्तेमाल जायज नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और कई कंपनियां ब्लू हाइड्रोजन के ऊर्जा स्रोतों के रूप में इस्तेमाल का समर्थन भी कर चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को अकादमी जर्नल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि हाइड्रोजन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कोयले से भी ज्यादा हो सकता है। शोध के मुताबिक ब्लू हाइड्रोजन उत्सर्जन मुक्त नहीं है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के रॉबर्ट हॉवर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्क जेकिस्पन ने अपने शोधन में पाया है कि हाइड्रोजन के ईंधन के उत्पादन में अच्छी खासी ऊर्जा की जरूरत होती है। वो कहते हैं कि प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया में जब उसे गर्म किया जाता है तो उस पर दबाव बढ़ाया जाता है, तब कार्बन उत्सर्जन होता है। ब्लू हाइड्रोजन में भले ही कम उत्सर्जन हो, लेकिन कार्बन सोखने की प्रक्रिया में काफी ऊर्जा रखती है, तो कोयले से भी ज्यादा खतरनाक है ब्लू हाइड्रोजन, जिसका जिक्र हमेशा ऊर्जा स्रोतों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। अफगानिस्तान सरकार तालिबानी आतंकियों के आगे घुटने टेकते नजर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व सीनेट अफसर यासाब खटाक ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है, जिसका समर्थन तालिबानियों को मिला हुआ है। अफसर सियाब ने कहा है कि आईएसआई तालिबानियों की मदद अफगानिस्तान को अस्थिर करने में कर रहा है। महज कुछ दिनों के अंदर ही तालिबानी आतंकी काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। महिलाओं और लड़कियों का भविष्य अफगानिस्तान में अंधकार में दिख रहा है। महिलाओं को खींचते हुए ले जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो कि पूरी तरह से बर्बरता का प्रतीक नजर आ रही हैं। तालिबानियों से सलमा डैम पर भी कब्जा जमाया जा रहा है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर इस डैम का उद्घाटन किया था। जब इस पर अफसर सियाब ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है, सभी प्रोजेक्ट खतरे में चले जाएंगे अगर तालिबान का राज यहाँ कायम होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहा और जिसकी बानगी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। अफगानिस्तान की त्रासदी के पीछे आईएसआई का हाथ है, ऐसा माना जा रहा है। तमाम सवाल जो है वैश्विक स्तर पर नजर आ रहे हैं। तालिबानियों को पाकिस्तान से लगातार समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो आवाम है वो पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि चिंता में डाल रही हैं कि आखिर अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चियों और जो नौजवान हैं उनके साथ किस तरह की बर्बरता की जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के बाद तालिबान का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और काबुल से महज 90 किलोमीटर दूर है। तालिबान से चल रही जंग के बीच खबरें आ रही थी कि अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अफगान सरकार ने डटकर मुकाबला करना तय किया है। सूत्रों के माने तो गनी इस्तीफा नहीं देंगे। राष्ट्रपति गनी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक अहम बैठक की, जिसमें तालिबान से मजबूती से लड़ने का फैसला लिया गया। गनी लंबे समय से तालिबान के सामने डटकर मुकाबला करते रहे हैं और तालिबानी लड़ाकों को भगाने की रणनीति तैयार करते रहे हैं। तालिबान की कई मांगों में से एक मांग अशरफ गनी को पद से हटाए जाने की भी रही है। वहीं पाकिस्तान भी अशरफ गनी के पद से हटाए जाने का समर्थक रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान हर बीते दिन के साथ और मजबूत होता नजर आ रहा है। तालिबान के लड़ाके कई बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। इसके अलावा सरकार के कई अधिकारियों को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान के कंधार, गजनी, हेरात, इन सभी पर पूरी तरह से तालिबान की पकड़ हो गई है। कम से कम 12 प्रांत अब तालिबान के कब्जे में हो गए हैं। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि वो तालिबानियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर बैठक की गई। इस बैठक में दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ तय किया गया कि हम तालिबानी आतंकियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे और हर तरह से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सब कुछ करते हैं। हम अपने NDSF पर गर्व करते हैं और लगातार गर्व करते रहेंगे।
तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा बयान दिया। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को उनसे कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावासों को निशाना नहीं बनाएगा। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम भारतीय राजनयिकों और दूतावासों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से उन्हें खतरा नहीं है, हम दूतावासों को खतरा नहीं बनाएंगे। ये बात हमने अपने बयान में एक नहीं बल्कि कई बार कही है। ये हमारा वादा है जो मीडिया में भी है। तालिबान के प्रवक्ता से पूछा कि वो भारत को आश्वस्त कर सकता है कि उसके खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पर प्रवक्ता ने कहा कि हमारी एक सामान्य नीति है कि हम किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति देने नहीं लगते हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में भारत की सहायता से चल रही परियोजनाओं पर तालिबान कहता है कि हम अफगान के लोगों के लिए किए गए हर काम की सराहना करते हैं, जैसे बांध, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जो भी अफगान के विकास, पुनर्निर्माण और आर्थिक समृद्धि के लिए किया गया। अफगानिस्तान के समूचे दक्षिणी हिस्से में तालिबान का नियंत्रण, तालिबान ने शुक्रवार को 4 और प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा करते हुए देश के समूचे दक्षिणी भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और धीरे धीरे वो काबुल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अफगान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण के बाद तालिबान ने हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह पर कब्जा कर लिया। लगभग 2 दशक के युद्ध के दौरान हेलमंद में सैकड़ों की संख्या में विदेशी सैनिक वहां मारे गए थे और अब पूरी तरह से तालिबान इन बड़े शहरों पर कब्जा कर रहा है और काबुल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा प्रांतों की राजधानियों को अपने कब्जे में ले चुका तालिबान अब तेजी से काबुल की तरफ बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी दूतावास कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर वापस बाहर निकालेगा। वहीं कनाडा ने भी दूतावास की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को बाहर निकालने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से ब्रिटेन के दूतावास के कर्मचारियों अधिकारियों को बड़े पैमाने पर निकाला जाएगा। साथ ही कहा है कि उन अफगान नागरिकों को वापस लाने की कोशिशें तेज की जाएंगी जिन्होंने पिछले 20 सालों में ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय बलों की मदद की है। इसके लिए जल्द ही टीम भेजी जाएंगी। उन्होंने ब्रिटेन की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में हमने जो कुछ किया उस पर ब्रिटेन को बहुत गर्व हो सकता है और ये कोई सैन्य समाधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के प्रयासों के लिए धन्यवाद। हमने बहुत लंबे समय तक पश्चिम के खिलाफ अलकायदा का कोई हमला नहीं देखा। इससे पहले ब्रिटेन के रक्षा सचिव वेन वॉलेस ने घोषणा की थी कि देश छोड़ने में ब्रिटिश नागरिकों की सहायता के लिए लगभग 600 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा जाएगा। तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को वापस लाएगा ब्रिटेन, ऐसी जानकारी मिल रही है। अफगान नागरिकों के लिए कनाडा विशेष अभियान चलाने की तैयारी में जुट गया है। कोरोना की उत्पत्ति से जुड़े अगले दौर की जांच को चीन ने खारिज कर दिया। चीन ने कहा है कि WHO के दूसरे चरण की जांच का फैसला तर्क संगत नहीं है। हालांकि लैब से वायरस लीक होने को लेकर चीन चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। WHO ने वायरस की उत्पत्ति से जुड़ी जांच टीम में शामिल चीन के वैज्ञानिक प्रोफेसर लियांग वाइनिंग का कहना है कि अगले चरण की जांच में उन सभी देशों को शामिल करना चाहिए जहां चमगादड़ और पेंगोलिंस रहते हैं। इसके अलावा कोल्ड चेन के जरिए वुहान में इसकी आपूर्ति करने वालों को भी जांच के दायरे में शामिल करना चाहिए। चीन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी के आधार पर दोबारा जांच स्वीकार नहीं है और उपयुक्त भी नहीं है। चीन ने ये बात तब कही है जब WHO ने कहा है कि वो वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी तह तक जाने के लिए दूसरे चरण की जांच करेगा। WHO ने यह भी उम्मीद जताई है कि चीन समेत दुनिया के सभी देश इसमें सहयोग करेंगे। लैब से वायरस लीक हुआ इसकी जांच के लिए वुहान के लैब में एक विशेष टीम भी भेजनी थी। कोरोना वायरस से लड़ाई की दिशा में वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन आधारित टीका बनाया है जिसकी मदद से कोरोना वायरस को चकमा दिया जा सकता है। तो कोरोना जांच को लेकर चौतरफा घिरता हुआ चीन नजर आ रहा है। कोरोना से जुड़ी जांच को लेकर चीन ने खारिज कर दिया है कि वो तीसरी जांच नहीं कराएगा। दूसरी जांच WHO की तरफ से कहा गया था, इसके बाद दूसरी जांच कराई गई थी, लेकिन तीसरी जांच के लिए पूरी तरह से चीन सहमत नहीं है। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर की लैब से ही कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे में
तमाम पहलुओं पर चीन गिरता हुआ नजर आया है, वैश्विक स्तर पर भी गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं माना है। लेकिन अगर चीन में कोरोना वायरस की बात करें तो अब कोरोना वायरस एक बार फिर से चीन में कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही है। ऐसे में चीन जो है वो वैश्विक स्तर पर घिर रहा है, चाहे वो जांच को लेकर हो, चाहे वो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हो, चाहे वो वुहान शहर और उसकी लैब को लेकर हो। तो लगातार चीन में कोरोना के हमले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं हमलों के बीच जो वायरस है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चीन की वुहान शहर और वहां पे जो लैब थी उसी में से ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है, ऐसी जानकारी पहले कई बार कई शोधों में हम दे चुके हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो रूस हो, तमाम वैश्विक स्तर पर चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जांच को लेकर चीन अब अड़ा हुआ है अपनी बातों को लेकर कि वो दोबारा जांच नहीं कराएगा, क्योंकि वो पहले ही जांच करा चुका है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि चीन कहीं एक बार फिर से कुछ चीजें छुपाता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से ही हुई है, लेकिन चीन ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब लगातार जो वेरिएंट हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। अगर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए तो भारत में यहाँ पर 4 रूप देखे गए हैं डेल्टा वेरिएंट के, बाकी 13 रूप जो हैं देखे गए हैं। ऐसे में WHO चाहता है कि चीन में जाँच की जाए जो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ये नहीं चाहता कि इसकी जाँच होगी। तो भारत बायोटेक की नाक के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को दी। वैक्सीन के पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल 18 से 60 साल की उम्र से लोगों पर किया जा रहा। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने बयान में कहा है कि भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन पहली नाक की वैक्सीन है, जिसे दूसरे फेज के ट्रायल के लिए नियामक की मंजूरी मिली है। इससे पहले बयान में कहा गया था कि रेगुलेटर ने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है, लेकिन फिर से डिवाइड बयान जारी किया गया है। दूसरे फेज के ट्रायल की अनुमति दी जाने की पुष्टि की गई है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्वस्थ वॉलंटियर्स में कोविड वैक्सीन के साथ कोवैक्सीन की प्रतिक्षण क्षमता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए SARS-CoV-2 टीकों के हेट्रोलोसिस प्राइम बूस्ट कॉम्बिनेशन के दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। भारत में ये अपनी तरह की पहली वैक्सीन होगी जिसकी क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिली है। DBT ने आगे कहा है कि कंपनी ने दर्ज किया है कि पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में स्वस्थ वॉलंटियर्स को दी गई वैक्सीन की खुराक ने अच्छी तरह से काम किया, कोई गंभीर प्रतिकूल घटना की जानकारी नहीं मिली। वैक्सीन को प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी स्टडीज में सुरक्षित इन्यूजरिक और अच्छी तरह से काम करने योग्य पाया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल मिशन कोविड सुरक्षा को लॉन्च किया था, जिससे कोरोना वैक्सीन पर जल्द से जल्द तेजी से काम किया जा सके। इस मिशन का फोकस लोगों के लिए एक सुरक्षित, प्रभावी, सस्ती और सुलभ कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना है। DBT की चेयरमैन और सचिव रेणु स्वरूप ने कहा है कि मिशन कोविड सुरक्षा के जरिए डिपार्टमेंट सुरक्षित और प्रभावी टीकों को डेवलप करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बायोटेक की BBV154 कोविड वैक्सीन देश में विकसित की जा रही है, जो कि पहली इंस्ट्रानेजल वैक्सीन होगी। यह भी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज से लगातार गुजर रही है। बिहार के गया का रहने वाला 20 वर्षीय अमन नागसिन की पिछले महीने चीन में हत्या कर दी गई थी। अमन चीन की तेंजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का छात्र था, जहां पर उसकी लाश मिली थी और उसके पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया है। पार्थिव शरीर शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उसके परिजन उसे गया ले गए। चीन में मृत मिलने के बाद अमन के परिजन उसके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस भेजने की मांग कर रहे थे। इसके बाद चीन से उसका पार्थिव शरीर पहले दिल्ली लाया गया और फिर वहां से पटना एयरपोर्ट भेजा गया। मृतक के चाचा पंकज पासवान ने कहा है कि मेरा बेटा तो रहा नहीं, लेकिन जिनके भी बेटे हैं उनकी सुरक्षा सरकार करे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के चीन से अच्छे संबंध है, व्यापार और सारी प्रतिक्रियाएं हो रही है। हमें क्या पता था कि हत्या हो जाएगी, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को चीन ना भेजे। अमन नागसिन बिहार के गया का रहने वाला था, वो चीन की तेंजिन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और पिछले महीने में उसकी मौत हो गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसकी मौत एक हत्या है और हत्या के सिलसिले में एक विदेशी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि संदिग्ध केस देश का नागरिक है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ट्विटर इंडिया हेड मनीष महेश्वरी अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए US में ऑपरेशन संभालेंगे। महेश्वरी ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर करीब 2 साल तक रहेंगे। उन्होंने साल 2019 में ट्विटर इंडिया को ज्वाइन किया था।
मनीष महेश्वरी ने अप्रैल 2019 में नेटवर्क 18 छोड़कर ट्विटर इंडिया को ज्वाइन किया था। अब कंपनी के लिए अमेरिका में काम करेंगे। वहां उनका पद रिवेन्यू स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस में सीनियर डायरेक्टर का होगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 2 साल से ज्यादा ट्वीट इंडिया में लीडरशिप के लिए धन्यवाद। यूसेन ने महेश्वरी को अमेरिका में मिले नए रोल के लिए बधाई भी दी है। अब महेश्वरी ट्विटर अमेरिका में रेवेन्यू स्ट्रेटजी और दुनिया भर के नए मार्केट ऑपरेशन के हेड के तौर पर कमान संभालेंगे। महेश्वरी पिछले कुछ समय से विवादों में भी रहे हैं। बताया गया है कि उन्होंने ट्विटर पर ट्विटर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर लिख रखा है, लेकिन असल में कहते हैं कि वो ट्विटर अमेरिका को रिपोर्ट करते हैं। पहले उनके ट्विटर हैंडल पर मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया लिखा था, लेकिन अब उन्होंने अपना ट्वीट बायो बदल दिया है। ट्विटर पर उन्होंने बिजनेस एट ट्विटर इंडिया लिखा है। अपने बायो में उन्होंने ये भी लिखा कि वो कंटेंट के इंचार्ज नहीं है, क्योंकि कंटेंट ट्विटर इंक मैनेज करता है। ट्विटर इंक यानी ट्विटर अमेरिका। एक ईमेल में लिखा है कि इंडिया कंट्री डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंडिया के पद पर रहकर करीब 2 साल तक हमारी टीम को संभालने के बाद अब मनीष सेन फ्रांसिस्को में सीनियर डायरेक्टर रेवेन्यू स्ट्रेटजी और ऑपरेशन के रूप में एक नई भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो ट्विटर इंडिया से मनीष महेश्वरी हटाए गए हैं, अब वो अमेरिका में नई भूमिका पर मौजूद हैं। महात्मा गांधी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा सकता है। इस संबंध में अमेरिका संसद में एक बार फिर प्रस्ताव पेश किया गया जो न्यूयॉर्क के एक सांसद ने दिया। उन्होंने शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने का प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शुक्रवार को पेश किया। महात्मा गांधी अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। इससे पहले यह सम्मान जॉर्ज वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा पार्क्स जैसे महान हस्तियों को दिया जा चुका है। महात्मा गांधी का ऐतिहासिक सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध के आंदोलन ने एक राष्ट्र और दुनिया को प्रेरित किया। उनका उदाहरण हमें दूसरों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए उत्साहित करता है। तो महात्मा गांधी को अमेरिका सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने जा रहा है। संसद में दोबारा पेश किया गया यह प्रस्ताव और इस पर भी चर्चा जोरों पर चल रही है। प्लास्टिक तिरंगा बंद करने के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लास्टिक तिरंगे को लेकर कू ऐप पर चल रही मुहिम को देश भर से जोरदार समर्थन मिल रहा है। कई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, बड़े नेता, खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज ने ऐप पर प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल न करने की शपथ ली। जनता से भी कपड़े और कागज के तिरंगे इस्तेमाल करने की अपील की है। कू ऐप की इस मुहिम का ऐसा असर हुआ कि हैशटैग से नो टू प्लास्टिक तिरंगा और हैशटैग प्लेज ऑन कू पूरे दिन स्वदेशी माइक्रोग्रोविंग साइट कू पर ट्रेंड करते रहे। प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने और अपने तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी साथ मिला है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियली कू अकाउंट से अपने समर्थकों और आम जनता से अपील भी की है कि वे कभी भी प्लास्टिक के तिरंगे का इस्तेमाल ना करें और ना दूसरों को करने दें। तो कू की मुहिम है प्लास्टिक तिरंगे को पूरी तरह से ना कहें और कागज और कपड़े के तिरंगे को बढ़ावा दे। इससे तिरंगे की शान भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इससे पर्यावरण भी पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा। तो कुकी मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू जो कि पूरी तरह से भारतीय है, इसमें लगातार लोग जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से लोग इससे जुड़ रहे हैं और ऐसे में कू पर हैशटैग से नो टू प्लास्टिक तिरंगा भी पूरी तरह से ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका समर्थन तमाम राजनेता, तमाम अभिनेता करते हुए नजर आए। दो दिन बाद 16 जुलाई को देश में कोरोना टीकाकरण के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। अभी तक 53 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अगर राज्य और खुराकवर टीकाकरण की स्थिति देखें तो आंकड़े अभी भी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन ना हो पाने की तस्वीर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर किसी को वैक्सीन देने की जल्दबाजी में दूसरी खुराक का टीकाकरण भी काफी तेजी से पीछे जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 22 राज्यों में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले चुका है। इन लोगों ने वैक्सीन की एक खुराक हासिल कर ली है, लेकिन दूसरी खुराक का अंतर काफी है। हिमाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों में दोनों खुराक के बीच अंतर 40% से भी ज्यादा है।
दादर नागर हवेली में 85% को एक खुराक लग चुकी है जबकि सिर्फ 13% को दोनों खुराक मिल पाई है। इसके अलावा लक्षद्वीप, सिक्किम, गोवा, लद्दाख, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 60% से अधिक आबादी को एक खुराक मिल चुकी है लेकिन दूसरी खुराक का टीकाकरण यहाँ अधिकतम 25% आबादी का हुआ है। दिल्ली में 43% आबादी को एक और केवल 17% आबादी के दोनों खुराक लेने की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में 20% को एक खुराक जबकि 4% को दोनों खुराक मिल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड की दो खुराक के बीच 2 माह का अंतर अच्छा है। साथ ही कहा कि 6 महीने बाद एक और डोज लेना चाहिए। लॉसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ कुछ समय बाद एंटीबॉडी कम होने लगती है। इस पर पूछे गए सवाल पर पूनावाला ने कहा कि यह सच है कि 6 महीने बाद एंटीबॉडी घटने लगती है, इसलिए हम तीसरी खुराक लेते हैं। पूनावाला ने 2 अलग-अलग वैक्सीन की डोज लेने का भी विरोध किया था। तो 16 जुलाई से कोरोना टीकाकरण के 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो 53 करोड़ लोगों का टीकाकरण भारत में हो चुका है लेकिन एक बड़ी आबादी जो है वो अब भी टीकाकरण से वंचित है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही खुराक ली है, कुछ ऐसे हैं जो 2 खुराक ले चुके हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम उन 100 भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने दुनिया भर में परोपकारी गतिविधियों के जरिए अपनी पहचान बनाई है। अमेरिका स्थित सामुदायिक निकाय इंडिया स्पोरा ने इस तरह की पहली सूची जारी की है। ये सूची 9 ज्यूरी सदस्यों के मार्गदर्शन और पूर्व सत्यापित सूचियों और सार्वजनिक रूप से साझा दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। प्रवासी भारतीयों के संगठन इंडिया स्पोरा के मुताबिक सूची में शीर्ष पर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम बिरला हैं, जबकि अमेरिका से मोंटी अहूजा, अजय बंगा और मनोज भार्गव शामिल है। संगठन के संस्थापक एमआर रंगास्वामी ने कहा है कि हमारे समुदाय के इतने सारे परोपकारी लोगों को देखना अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक है जिन्होंने अपनी सफलता को सामाजिक प्रभाव में बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी उद्यमी उदारता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में काम करते हैं और हमें उन कई मुद्दों की याद दिलाते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया भर के परोपकारियों में हिंदुस्तानी अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम शामिल हैं। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकी हमले के इनपुट्स मिले हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए और खालिस्तान समर्थकों के इरादे साफ किए हैं। खालिस्तानी समर्थक 15 अगस्त वाले दिन या उससे पहले दिल्ली और पंजाब में ऐतिहासिक इमारतों समेत अन्य जगहों पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकते हैं या फिर कोई और गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसे देखते हुए राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह तलाशी अभियान सघन कर दिया गया है। देश के खिलाफ विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ये इनपुट दिए। इस इनपुट को लेकर खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी जूनियर अधिकारियों को ब्रीफिंग के दौरान खालिस्तानी इनपुट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया विभाग ने इनपुट दिए हैं कि खालिस्तानी किसानों को भड़काकर कहीं भी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं जैसा कि देखा गया था इससे पहले भी। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक ऐतिहासिक इमारत या फिर धार्मिक स्थलों पर अपना झंडा फहरा सकते हैं। खुफिया अलर्ट में कहा गया कि खालिस्तानी 14 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान या फिर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद झंडा फहराने के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी फैला सकते हैं। 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पर कार्यक्रम होने के बाद भी खालिस्तानी समर्थक गड़बड़ी या फिर कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं। लाल किले पर कार्यक्रम होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ढीली हो जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे आतंकी संगठनों को अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सेना ने नियंत्रण रेखा पर गैटलिंग एंटी ड्रोन गन तैनात कर दी है। ये गन ड्रोन दिखते ही सटीक निशाना लगाकर उसे मार गिराएगी। सेना की ओर से खुद तैयार की गई ये खास गन 1 साथ ड्रोन पर ट्रेस बुलेट से फायर करेगी। अखनूर के पालमवाला सेक्टर में इसको LOC पर कई लोकेशन पर तैनात किया जाएगा। सीमा पार से लगातार ड्रोन से घुसपैठ को देखते हुए इसे तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसे तैयार करने में सेना ने बाहर से कुछ नहीं खरीदा, खुद विकसित की गई तकनीक से यह तैयार की गई है। भारत पाकिस्तानी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ड्रोन से हथियार और गोला बारूद भेज रहा है। आतंकियों ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला भी किया। ड्रोन से निपटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था जिसके लिए सेना ने उक्त गन को तैयार किया। 300 राइफलों को एक खास तरह से तैयार फ्रेम में जोड़ा गया। तीनों का एक ही ट्रिगर बनाया गया है। एक लोहे के पिलर पर इसे बनाया गया है जो 360 डिग्री में घूम सकती है। इसमें बुलेट के साथ ट्रेसर लगाया गया है। जैसे ही ड्रोन दिखेगा तो इसमें से एक साथ 3 बंदूकों से 3 बुलेट निकलेंगी। ये ट्रेसर
अपने आप एक रोशनी वाली लीक खींच देगा। इससे पता चल जाएगा कि ड्रोन किस दिशा में है। इसके बाद फिर से ट्रेसर के साथ तीन गोलियां एक साथ तीन बंदूकों से निकलेंगी जो ड्रोन पर निशाना लगाने में मदद करेगी। 800 मीटर ऊंचाई और 400 मीटर सामने की दिशा में मार करेगा। तीनों बंदूकों को एक साथ लगाकर ये गन तैयार की गई है। कई बार एक बुलेट निकलने से निशाना लगने में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन तीन बुलेट जब एक साथ निकलेंगी तो तीनों में से एक या दो सीधे निशाने पर लगेंगी। तीनों बुलेट जब निकलेंगी तो इसमें आपस का अंतराल 1 से 1.5 फुट का होगा और ये तीनों फुट का दायर तीनों तरफ से कवर करेगी। तो आतंकियों के खिलाफ सेना पूरी तरह से तैयार है। लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं खुफिया एजेंसी को। इसके अलावा इससे पहले भी कई बार संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे में उन ड्रोन को मार गिराने के लिए खास गन तैयार की गई है जो कि एलओसी पर तैनात की जाएगी ताकि स्वतंत्रता दिवस के आसपास ऐसी कोई भी हिमाकत पाकिस्तान ना कर पाए, ना ही अपने आतंकी भारत की तरफ बढ़ा पाए। तो ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये गन जो है वो पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है। सेना के जवानों ने खुद इसे बनाया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरह से नजर जो है उन ड्रोन पर रखेगी और जैसे ही कोई संदिग्ध ड्रोन दिखता है तो उसे मार गिराएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।